और ये सामने मंदिर पे लिखा हुआ है और ये लगा हुआ है वहां से पूरा अष्ट माँ लक्ष्मी धाम और नगर जी के ऊपर आप और ये पूरी मार्बल है ये देखते हो आप। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। मेरा नाम रोहित, आप देख रहे हो आलम ब्लॉग्स एंड टूरिस्ट। और अभी आए हुए हम जोराजी महालक्ष्मी अष्ट महालक्ष्मी मंदिर। तो चलिए चलते हैं और अंदर एंट्री कर लिया मैंने अंदर और यहाँ पर जूते पर रखते हैं। ये यहाँ से आपको अंदर जाना, जूते रखते हैं, मैं साइड में बैठने आ रहा हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं, दिखा दे आपको और जोराजी मंदिर दर्शन करेंगे पहले, फिर महालक्ष्मी मंदिर दर्शन करेंगे। चलिए चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं अंदर आपको। तो ये मंदिर का परिसर पूरा। और गाइस यहाँ पर रैक्स है जूते पर चप्पल रखने के लिए, वहाँ पर आपको वहाँ पर ताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ अंदर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से अंदर चलते हैं मंदिर के लिए, चौरासी मंदिर दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं महालक्ष्मी मंदिर। ये मंदिर है सामने ही और ये मंदिर का परिसर पूरा बैठने के लिए यहाँ पर, और वाटर कूलर सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पानी के लिए, और सरकारी पड़ दी ऐसी स्टाफ से। और ये सामने मंदिर पर लिखा हुआ है माँ संपूर्णा अष्ट महालक्ष्मी धाम। और ये चौरासी मंदिर है जो कि अंदर है इसके, और इसी सामने बना हुआ है ये मंदिर। तो आप आ सकते हो, पास में ही चौरासी कॉलेज के थोड़ा पास है, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। और चलिए चलते हैं मंदिर में और दिखाते हैं मंदिर में आपको, आप बताते हैं कैसा क्या है। चलिए सामने चलते हैं और सामने ही आपको दो पहरेदार देखने को मिल जाते हैं और ऊपर दो हाथी देखने को मिल जाते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं ऊपर आपको। और गाइस मंदिर के नीचे ही गर्भगृह बना हुआ है, इसलिए मंदिर इतना ऊँचा बनाया गया है। तो गाइस गर्मी की वजह से धूप के लिए यहाँ पर काफ़ी डाला गया है, क्योंकि गर्म रखे हुए हैं टाइल्स वगैरह, तो यहाँ से आ सकते हो ऊपर। चलिए अंदर चलते हैं, ऊपर दिखाते हैं आपको। यहाँ से सीढ़ी से ऊपर जाना अपन को, सामने आपको दो हाथी देखने मिल जाते हैं फेरेदारी करते हुए। और ये भी माल गर्म रखी हुई है, इसलिए कारपेट लगा दी है इस ऊपर। और ये लगा हुआ माँ संपूर्ण, माँ संपूर्णा अष्ट महालक्ष्मी धाम, देख सकते हो आप मंदिर। और देख सकते हो क्या डैम बने हुए हैं, ब्रह्मा जी, भोले जी और भी सारे, और नगर जी के ऊपर आप। तो गाइस परिक्रमा लगाते हैं मंदिर की और देख सकते हो बाहर पहाड़ वगैरह हैं, पूरे बाहर पूरा पहाड़ी है। और चलते हैं परिक्रमा लगा के मंदिर की और दिखाते हैं मंदिर में आपको, थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं। तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, मना कर रहे हैं पंडित जी कि मंदिर को दिखाया है कैमरे में, और वहाँ कैमरा भी लगा हुआ है। पानी नल लगा हुआ है मंदिर देख सकते हो सामने, मंदिर की परछाई। और दिखाते हैं मंदिर के बाहर आपको आसपास मंदिर के, ये देख सकते हो आप क्या ही बना हुआ है मंदिर। और यहाँ से बाहर का व्यू और बैठने लिए डली हुई है, अभी तो गर्मी से कभी बैठा हुआ नहीं है। और ऐसे दूसरी साइड भी चलते हैं, देख के आते हैं अंदर भी क्या है। और नीचे कोई कॉलेज वगैरह बना हुआ है शायद से राइट साइड में, पहले भी हम यहाँ देखने आए थे, उस टाइम बनना था, उस टाइम पे यहाँ पर गर्भ रही था, तो अब पता नहीं है शायद से बंद कर दिया रास्ता उसके जाने का, तो यहाँ शायद से नीचे आने रास्ता या फिर डूम वगैरह कोई यहाँ पे अंदर। और मंदिर से बाहर निकलते ही आपको लेफ्ट और राइट साइड में दो मंदिर देखने मिल जाएंगे, मंदिर के पहले मिलेंगे आप अंदर आओगे इससे पहले ही, देखते हो आप। हम देखते हैं इनमें, गणपति जी का मंदिर बना हुआ है यहाँ, और यहाँ पर सरस्वती देवी का मंदिर बना हुआ है। तो गाइस थोड़ा मंदिर बैठते हैं यहाँ पर साइड में माता के सामने, बैठने की जगह नहीं यहाँ पर, यहीं पर काफ़ी डला हुआ है बैठने के लिए, तो यहीं पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, आराम से बैठते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से। तब क्या ही कार्य की गई है, पूरे ऊपर मेले लगे हुए हैं, जैसे चारों तरफ लगे हुए हैं मेरे द्वारा। और गाइस अब देखते हो क्या ही कारीगरी की गई है पूरी दीवार पर, और ये पूरी मार्बल है, ये देखते हो आप मार्बल कट करके किया हुआ है। तो गाइस महालक्ष्मी अष्ट महालक्ष्मी मंदिर दर्शन हो चुके हमारे,
और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको यहाँ पे आना है तो ग्वाली से 15 किलोमीटर दूर है, कोई जाना नहीं है। ग्वाली झांसी हाईवे पे है, तो आराम से आ सकते हो और काफ़ी अच्छा मंदिर है। आप अंदर जाओगे मज़ा आएगा आपको, इतनी गर्मी में आराम से बैठे अंदर, मज़ा आ गया। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तकली बाय बाय।